लगा दिए हैं और यह आरोप तेजस्वी यादव पर लगाया है। तेजस्वी यादव पर नीरज कुमार ने बड़ा आरोप लगा दिया है। लालू प्रसाद को राजनीतिक तौर पर नजरबंद करने का आरोप नीरज कुमार ने लगाया है। साथ ही इंडी अलायंस के सहयोगी दलों को हेलीकॉप्टर पर नहीं चढ़ने देने का भी आरोप नीरज कुमार ने लगाया है। लालू प्रसाद पर भी नीरज कुमार ने हमला बोला है। बेटी के लिए लालू प्रसाद का स्वास्थ्य ठीक है, दूसरे उम्मीदवारों के लिए वक्त नहीं है, अति पिछड़ा उम्मीदवारों के लिए वक्त नहीं है। तो बड़ा आरोप लालू परिवार पर, तेजस्वी यादव पर और लालू यादव पर भी कि लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य उनकी बेटी के लिए ठीक है, वो चुनाव प्रचार में जाते हैं, लेकिन बाकी किसी उम्मीदवारों के लिए उनके पास वक्त नहीं है और खास करके जो अति पिछड़ा उम्मीदवार हैं उनके लिए वक्त लालू प्रसाद यादव नहीं निकाल पाते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव को लेकर के कहा है कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद को राजनीतिक तौर पर नजरबंद किया है उन्होंने। तेजस्वी यादव यह बताए कि आपने लालू प्रसाद जी को राजनीतिक रूप से नजरबंद क्यों कर दिया है और इंडी गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस सीपीआई सीपीएम माले को हेलीकॉप्टर पर न चढ़ने देना क्या वो राजनीतिक रूप से अछूत है? साथ ही यह स्पष्ट करना चाहिए कि अपनी बेटी के लिए तो माननीय लालू प्रसाद जी के पास समय है, स्वास्थ्य इनका ठीक हो जाता है, लेकिन हाजीपुर में अगर दलित समुदाय का व्यक्ति लड़ रहा है, बुजुर्ग व्यक्ति अवध बिहारी चौधरी जी लड़ रहे हैं, दूसरे अति पिछड़ा दलित समुदाय के अगर नेतागण लड़ रहे हैं तो लालू यादव के पास समय नहीं है। क्या सहयोगी दल और अति पिछड़ा और दलितों का राजनीतिक संहार करना, नरसंहार से पेट नहीं भरा तो अब राजनीतिक संहार तो तय है और राजनीतिक संहार करने के लिए तेजस्वी यादव उस पूरी योजना में शामिल है। और चलिए इस पूरी खबर पर खुद नीरज कुमार मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ जेडीयू के जुड़े हैं। नीरज जी, आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर नजरबंद किया है लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव ने ही किया है, स्वास्थ्य उनका बेटी के लिए ठीक है, बाकी किसी उम्मीदवार के लिए वो वोट का प्रचार करने के लिए वो नहीं जाते हैं। क्या बयान आपका लालू परिवार पर है और किस तरीके से आप अभी की हलचल को देख रहे हैं? ये राष्ट्रीय जनता दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी उनके हस्ताक्षर से ही उम्मीदवार तय होते हैं और इंडी गठबंधन के नेताओं को आप देख रहे होंगे कि कोई भी संयुक्त प्रचार नहीं कर रहे हैं, पहला पॉइंट ये। दूसरा, माननीय लालू प्रसाद जी, चाहे वह आज मैं देखा हूँ मीडिया में न्यूज आया है वो सारण में, भाई तो आप वहाँ मीटिंग कर सकते हैं, हाजी माने सारण में आपको कोई दिक्कत नहीं है, हाजीपुर में दलित समुदाय का व्यक्ति लड़ रहा है तो वहां नहीं जाएंगे आप? पाटलिपुत्रा की ओर बढ़िएगा, छपरा की ओर बढ़िएगा, बिल्कुल नीरज जी। तो आरजेडी से भी जवाब लेना जरूरी हो जाता है जो आरोप लगा रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी जुड़े हैं। मृत्युंजय जी, जिस तरीके से नीरज कुमार ये आरोप लगा रहे हैं कि दूसरों के लिए तबीयत ठीक रहती है लालू प्रसाद यादव, खासकर के अपनी बेटी के लिए, लेकिन जो दूसरे बाकी उम्मीदवार है, चाहे इंडी गठबंधन दल के बाकी जो नेता, उनको हेलीकॉप्टर तक पर चढ़ने नहीं दिया जाता है, किस तरीके से बयान को देखते हैं आप? देखिए, हमको किस तरह से देखना है, अब ये बात कहने के पहले तो गिरेबान में झांकना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रोड शो में तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कमल का फूल झुंझुना थमा ही दिया गया था। अब किसको किसने कैद किया, सब लोग पहले अपनी चिंता करें, यहाँ की चिंता छोड़ दें। तेजस्वी यादव जी अकेले निपटने के लिए तैयार हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी का नाम ही काफी है। इन लोगों को राजनीतिक रूप से इस बार जनता वनवास से भेजने का काम करेगी। लेकिन मृत्युंजय जी, एक तो चीज नजर आ रही है, तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में नजर आते हैं, लालू प्रसाद को लेकर के आरोप भी लगा रहे हैं नीरज जी की अपनी बेटी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए चाहते हैं, बाकी तो इंडी गठबंधन के कोई कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आता है। पूरी पूरी जनता जो है ये चुनाव जनता लड़ रही है, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जिसके भी हाथों में लालटन थमाया है,
चाहे इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हो, चाहे हाथ थमाया हो, चाहे हाथ छाप का दिया हो सिंबल, या दिया हो जो हमारे सीपीआई सीपीएम के मुकेश सहनी जी के हैं, इसलिए इसको जो है इसके बाद पूरी तरह से सफाया तय है एनडीए का। आपने देखा कि किस तरह हताश और निराश लोग इधर उधर की। चलिए बिल्कुल नीरज जी आपके पास आएंगे, नीरज जी में हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज जी, आप ही को हताश निराश बता रहे हैं कि नीतीश कुमार तो बीजेपी का जो चिन्ह है वो थाम लेते हैं रोड शो जब कभी भी होता है, तो वो किस तरीके से दबाव में है, क्या जवाब देंगे? ये तो गठबंधन का यथार्थ है, लेकिन क्या लालू जी खौफ के उदाहरण हो गए हैं? लालू जी को देखता है लोग डर जाता है। आखिर लालू जी क्यों नहीं निकलेंगे, यह सवाल है। दूसरा, क्या कांग्रेस पार्लियामेंट के मेंबर आप क्या बोल रहे हैं भाई? मैंने लालू जी को देख के सिहर जाता है आदमी, इसलिए निकलने नहीं दे रहे उनको। अरे भाई निकलने दीजिए, बेटा तो वह होता है जो अपने पिता की सेवा करता है। राजनीति, आप संपत्ति के वारिस आप बनिएगा, राजनीति के वारिस आप बनिएगा, तब पुत का पुत संचय का तो गाय नहीं लालू जी घूमेंगे। शिव चंद्र राम का अपराध क्या है? दलित है तो आप प्रचार नहीं करिएगा? ठीक है, नरसंहार हुआ था उस शासनकाल में, लालू जी के शासनकाल में। तब मैं तो कहूंगा कि राजनीतिक संहार कर रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं क्या लालू जी खौफ के पर्याय है, इसलिए लालू जी को नहीं निकलने दिया जाए।